दोस्तों कुछ दिन पहले की ही बात है, भारत में जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे जो बड़े बड़े रिसेशन को प्रेडिक्ट करने का दावा करते थे, आपको याद होगा वो कुछ इकोनॉमिस्ट थे ना जो कि कहते थे कि चाइना ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, दुनिया में दूसरे चाइना की जगह नहीं है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग करना सही नहीं है, मेक इन इंडिया काम नहीं कर रहा, PLI स्कीम बेकार है, इस प्रकार के दर्जनों आरोप लगा करते थे। पर दोस्तों अब एक रिपोर्ट सामने आया है और इस रिपोर्ट में नंबर्स के साथ बताया जा रहा है कि दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होनी शुरू हो गई है, चाइना की जो इंडस्ट्रीज है अब वो दुनिया भर में ट्रांसफर हो रही है और उसमें इंडिया विनर बन के उभरा है। BCG रिपोर्ट बता रही है दोस्तों, इंडस्ट्री चीन से हटकर अब भारत में लग रही है और ये रिपोर्ट में दोस्तों नंबर्स के द्वारा चीजों को बताया जा रहा है। दोस्तों इस रिपोर्ट पर तो हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे डीप स्टेट पर। एक आजकल न्यूज सामने आ रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, डिस्कोर्स है इस प्रकार का कि जो ग्लोबल डीप स्टेट है उसकी भारत में रुचि बढ़ गई है और अब वो भारत में पूरी, जो आज से 25 साल पहले इसी ग्लोबल डीप स्टेट ने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करवाया था, वही ग्लोबल डीप स्टेट अब चाह रहा है कि सब कुछ इंडिया के तरफ शिफ्ट हो जाए और अब इंडिया ग्रो करे। अब दोस्तों उस पर भी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, क्या है ग्लोबल डीप स्टेट उस पर भी चर्चा करेंगे, तो निश्चिंत रहिए, जैसे मेरी क्लास होती है जीरो से लेके एडवांस तक अभी इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो वही वीडियो जो रहता है वैसे ही हम रखेंगे। तो दोस्तों ये सब जानते हैं, इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक टसल जो चल रहा है उसमें ये सारे न्यूज कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, पर यहाँ पे हम वो होने नहीं देंगे, इस पर भी पूरा फोकस आपको देखने मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों न्यूज सामने है जिसके मुताबिक इंडिया इज विनिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बैटल, जो कि BCG के रिपोर्ट का कहना है, जो कह रहा है कि जो सप्लाई चेन है वो अब चीन से दूर शिफ्ट होना शुरू हो रहा है। तो क्या आया है दोस्तों BCG, आपको बता देता हूं, इट इज दी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। दोस्तों एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है और इसी का एक स्टडी इन्होंने किया जिसका टाइटल था हार्नेसिंग दी टेक्टोनिक शिफ्ट इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, और इसी में इन्होंने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल का सोर्सिंग होता रहा है, वैसे इंटरमीडिएट गुड्स का जो सोर्सिंग होता रहा है, वो सभी अगर आप देखें तो उनमें बहुत मेजर शिफ्ट हुआ। किसके बाद? जो डोनाल्ड ट्रंप के दौरान ट्रेड वॉर हुआ, उसके बाद कोविड पैंडेमिक आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन अब चल रहा है, और उन सभी से अगर आप देखें तो पूरा सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है और इसी में जो कंपनीज है वो सभी अपनी नई नई स्ट्रेटेजी बना रही है और इसी नई स्ट्रेटेजी में इंडिया प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरिंग स्पॉट बन के उभरा है। अब दोस्तों ये तो हो गई बातें, पर ये बातों का कोई महत्व नहीं अगर डेटा ना हो। तो इन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया 2018 से लेके 2022 के बीच में होने वाले इंडिया US और चाइना US ट्रेड को आधार बनाया है, तो उसमें इन्होंने पाया कि इन चार सालों में जो इंडिया का US जाने वाला एक्सपोर्ट था वो 44% यानी 44% से बड़ा है, $23 बिलियन से बड़ा है। वही जो चाइना एक्सपोर्ट किया करता था US को, इन चार सालों में 10% का डिक्लाइन आया है। और सुनिए, जब भारत की बात होने की भारत ने एक्सपोर्ट किया तो किसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, तो इसमें अगर आप देखें तो नए सेक्टर्स उभरे हैं, ऑटो कंपोनेंट्स, अगर आप देखें गाड़ियों में जो कंपोनेंट्स जा रहे हैं वो 65% बढ़ा है इंडिया का जो US को एक्सपोर्ट जा रहा था, वैसे ही जो मैकेनिकल मशीनरीज हैं जो भारत में बन रही थी US जा रही थी वो 70% से इन चार सालों में ग्रो किया है। वही सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर एंड रिलेटेड मटेरियल्स, वो भारत ने जो US को एक्सपोर्ट किया है वो करीबन 150% टू बी प्रिसाइज 143% से इंक्रीज किया है। वही चाइना के लिए ये 29% डिक्लाइन किया है यानी कम हुआ है। यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट था बहुत कम था 2018 में, पर ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ शो किया है, ट्रैजेक्टरी ग्रोथ वाली है, तो ये इंप्रूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इन रिपोर्ट में ऐसा भी पता चला कि इंडिया से अगर कोई सामान US में बनता है, मान लीजिए वो जिस कीमत पे बनता है इंडिया में वही सामान बना के US भेजा जाए तो US के कंज्यूमर को 15% कम कीमत अदा करनी पड़ती है सेम गुड के लिए, यानी इंडिया क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। वही गुड
जो यूएस में बन रहा था इंडिया में 15% कम पे बन रहा था, वो चाइना में केवल 4% कम कीमत पर बन रहा है। यानी कि मान लीजिए यूएस में उसको बनाने का खर्चा 100 रुपया है, तो इंडिया में 85 रुपए यानी 85 रुपीज होगा, और चाइना में उसको बनाने का 96 यानी 96 रुपीज होगा। दोस्तों ये वो गुड्स हैं जो कि इस वक्त अगर आप देखें तो ट्रेड वॉर के चपेट में नहीं आए, जो हाई टैरिफ जिन पे यूएस ने नहीं लगाया, अगर वो हाई टैरिफ वाला गुड है वो चाइना में बन रहा है और वही यूएस में बन रहा है, तो चाइना से यूएस पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 21% हाइयर होगी। यानी यूएस में वो गुड यदि 100 रुपए में बन रहा था तो वो ट्रेड वॉर वाला गुड चाइना में 121 रुपए में वो गुड पहुंचेगा। भले चाइना में सस्ता बने लेकिन यूएस कंज्यूमर तक आते आते वो 121 रुपए हो जाएगा। इसके वजह से आप देखें तो पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और यही 4 साल में देखने भी मिला। वही अगर आप देखें तो इंडिया के पास आज भी लेबर कॉस्ट में सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। आप यहाँ पे कहेंगे सर लेबर कॉस्ट में क्या दिखा रहे हो, इंडिया का लेबर जो प्रोडक्टिव नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो नंबर्स आपके सामने आए हैं ये लेबर कॉस्ट एडजस्टेड फॉर प्रोडक्टिविटी है। मान लो एक आईफोन बनाने की बात कर रहे हैं तो एक आईफोन इंडिया में बने, यूएस में बने, चाइना में बने। मान लो आईफोन बनने के लिए यदि 2018 में इंडिया में आईफोन $100 जो बनता था उसका मान लेते हैं, रैंडम नंबर आपको दे रहा हूं, $100 की कीमत केवल लेबर कॉस्ट थी, तो 2022 आते आते वही आईफोन बनाने की कीमत भारत में $118 हो गई है, केवल $118 हो गई है केवल लेबर कॉस्ट की। यानी 2018 से 2022 में भारत का लेबर कॉस्ट एडजस्टेड फॉर प्रोडक्टिविटी केवल 18% बढ़ा है। यानी सेम गुड बनाने में पहले 100 रुपए में बन रहा था तो अब 118 रुपए में बन रहा है, यानी केवल 18% इंक्रीज। वही अगर हम यूएस की बात करें तो उनका लेबर कॉस्ट वहां पे $100 में, मान लो 2018 में बन रहा था वो आईफोन का, केवल लेबर कॉस्ट का खर्चा था आईफोन का, तो 2022 आते आते लेबर कॉस्ट का खर्चा बढ़ के 121 हो गया है। मेक्सिको में 122 यानी 22% इंक्रीज किया है, चाइना में ये बढ़ के 24% यानी $124 हो चुका है, $124 लेबर कॉस्ट का खर्चा हो चुका है। यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ इन सब में इंडिया का लेबर कॉस्ट ऑलरेडी कम था, यानी कि वही आईफोन बनाने के लिए यूएस में अगर $200 लेबर कॉस्ट हो रहा था तो इंडिया में $50, $100 कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा, और उसमें ग्रोथ भी कम हुआ है। यानी कि बेस भी इंडिया के लेबर कॉस्ट का कम था, उसमें ग्रोथ भी कम हुआ है। यानी कि इंडिया का जो लेबर कॉस्ट है आज भी बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे आप स्किल्ड वाली बात मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट इज एडजस्टेड फॉर प्रोडक्टिविटी, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल से बता दिया। अब आते हैं बात किसकी, ग्लोबल डीप स्टेट की। तो दोस्तों यहाँ पे एक नैरेटिव चल रहा है कि ग्लोबल डीप स्टेट का इंडिया की तरफ जो रुचि है वो बढ़ गई है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ना ये भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो ग्लोबल डीप स्टेट क्या होता है पहले आपको मैं वो समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों सिंपल शब्दों में समझाते हैं, जैसा हम क्लास में जैसा हमेशा वीडियोस में करते हैं। एक आपको मालूम है एक डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी या एक डीएम लगते हैं। तो अगर हम पिक्चर में देखेंगे तो क्या होता है, एसपी डीएम यानी राजा आदमी, जो मन किया वो रूल बना दिया, सब कुछ कर देता है। लेकिन रियलिटी क्या होती है, साउथ के पिक्चर में जाएंगे तो थोड़ा और देखेंगे ये चीज, है ना, कि मतलब सुपर पावर भी थोड़ा मिल जाता है, पुलिस वाला है तो एक मुक्का मारेगा 10 फीट दूर गिरेगा, वो सब भी आप देख सकते हैं। लेकिन रियलिटी क्या होती है, जो भी काम करने जा रहा है उस पे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स भी लग रहे हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं तो वहां पे आप देखें तो हो सकता है माइनिंग माफिया आपको देखने मिलेगी, वहीं पे हो सकता है पॉलिटिशियन का प्रेशर भी देखने मिलेगा, वहीं पर हो सकता है कुछ बिजनेस ग्रुप से उनका प्रेशर देखने मिलेगा, लोग हैं उनका प्रेशर देखने मिलेगा। यानी कि जो काम करता है, जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है अलग अलग जगहों से। जो मन चाहे वो नहीं कर सकता है चाहते हुए भी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है जिसको बैलेंस करना आवश्यक है। वैसा ही काम होता है अगर हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पे देखें, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो भी जो मर्जी चाहे वो नहीं कर सकते, उन पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है उन लोगों का जो दशकों से पावर में बैठे हुए हैं, वो कठपुतली की तरह उनको चलाते हैं। कौन होंगे ये, वही होंगे जो कि सालों से पावर में बैठे हैं, सालों से पावर
कंट्रोल कर रहे हैं, फैमिली दर फैमिली हो रही है, या अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस एंटरप्राइजेस भी हो, बाकी भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट प्रेशर ग्रुप्स जो ग्लोबल, यहाँ पे डीप स्टेट की बात हो रही है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है, जो की सारी आप अगर देखें तो जितनी भी बॉडीज हैं, फिर वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, अलग अलग बॉडीज हैं जिन पर उनकी पकड़ बनी हुई है। यूएस प्रेसिडेंट भी कुछ ना कुछ, उनकी भी फंडिंग चुनाव की वहीं पे हो रही है, उनकी भी कुछ उत्तरदायित्व उसके प्रति है, भारत में भी हो सकता है उसी के प्रति हो। यानी ये क्या है, दिस इज द ग्लोबल डीप स्टेट। तो ग्लोबल डीप स्टेट ये ग्रुप है वेल्दी एंड पावरफुल इंडिविजुअल्स का, जो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए लोगों पर या अलग अलग डिसीजन मेकर्स पर प्रेशर डालते हैं। तो आई होप ये समझ गए आप ग्लोबल डीप स्टेट क्या है। यूजुअली देखिए, ये कोई ऑफिशियल टर्म तो है नहीं, ये इनफॉर्मल टर्म बन के स्पेशली 2016 के चुनाव के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप के दौरान बहुत ज्यादा सामने उभर के आया। तो अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन है, यूजुअली देखिए अगेन कोई कहता नहीं मैं ग्लोबल डीप स्टेट हूं, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन आप देखें तो वो कंपनीज है जो कि सबसे बड़े वेल्दी कंपनीज है, जो कि सालों से रहे, नए कंपनीज नहीं होंगे क्योंकि दे आर जस्ट राइजिंग इन टू पावर, वो अभी वो जो कठपुतली की तरह नचाना है वो अभी सीख रहे हैं। तो इसमें कहा जाता है ब्लैक रॉक हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, वैनगार्ड हो गया, ये सब बड़े बड़े कंपनीज, ऐसे और दो तीन कंपनी मिलते हैं, और ये कलेक्टिवली जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका बड़ा हिस्सा का एसेट अकेले मैनेज करते हैं। जैसे इनकी बात करें ना, तो इनका 25 से 30 ट्रिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इन कंपनीज का ही, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, गोल्डमैन सैक्स आप मिला दो तो इतना बड़ा एसेट ये मैनेज कर रहे हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमी से 10 गुना है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एसेट ये मैनेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के ढेर सारे शेयर्स हैं इनके पास। तो ये क्या चाहेंगे, इसको मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसको बढ़ाना चाहेंगे। वो कैसे होगा, जब वो कंपनीज जिनका ये एसेट मैनेज कर रहे हैं वो और एफिशिएंट हो, वो कैसे एफिशिएंट होंगे, जब ये कंपनीज जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अब और सस्ती जगह पे करें। तो कहा जा रहा है कि ये जो ग्लोबल डीप स्टेट है ये कुछ इंडिया के तरफ रुचि बढ़ा रहा है। आप ऑफ लेट जो देख रहे हैं, इंडिया वेस्ट से क्लोज हो रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दिस इज बिकॉज ग्लोबल डीप स्टेट अब समझ रहा है कि चाइना इज नॉट द रिलायबल पार्टनर, अब वहां पे फर्दर ग्रोथ नहीं होने वाला है, वो इंडिया के तरफ अब लेके जाना है। और ये जो रिपोर्ट आप सामने देखे ना, ये जो पावर ब्रोकर्स हैं, जो कि मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड है, जो कि दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, इनका अब अगर आप देखें तो ये जो रिपोर्ट बता रहा है कि पिछले 4 साल में इंडिया इतना ग्रो किया, इतनी मैन्युफैक्चरिंग आई, इतना ज्यादा आप अगर देखें तो चाइना की तुलना में ग्रोथ हुआ, और ये निकालने वाली कंपनी BCG है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये भी अगर आप देखें तो कुछ उसी डीप स्टेट का हिस्सा है, सालों से ये भी कॉरिडोर्स ऑफ पावर में रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं फर्दर नरेटिव बना रहे हैं, ये सही होगा, मैं नहीं कह रहा ये गलत है, ये सही है। लेकिन पहले क्या होता था, जो अच्छा न्यूज था वो भी दबा दिया जाता था, लेकिन अब ये न्यूज भरना शुरू हो रहा है। कारण क्या है कि ये डीप स्टेट के लिए अब नरेटिव बना रहा है कि इंडिया इज द गो टू प्लेस, चलो यहाँ पे शिफ्ट करो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये इशारा किया जा रहा है कि यहाँ पे दिस इज द प्लेस जहाँ पे सभी को इन्वेस्ट करना है। तो उस नरेटिव की बात करें तो यहाँ पर भी वही सामने उभर रहा है कि यस, डीप स्टेट और भारत की गरीबी बढ़ रही है। अब ये कनाडा वाला मुद्दा, कहीं ना कहीं कुछ सेक्शन है डीप स्टेट में भी जो कि इंडिया के तरफ अभी भी कहीं ना कहीं आप देखें तो वो रुचि उतनी ज्यादा नहीं ले रहा। आप जानते हैं है ना किसकी बात मैं कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कौन सा डीप स्टेट का बड़ा आदमी है जो इंडिया की तरफ रुचि नहीं ले रहा है, जो कनाडा से भी काफी करीबी अपनी रखता है, कौन है? जॉर्ज सोरोस है। तो इस प्रकार के लोग हैं जो अभी भी डीप स्टेट में इंडिया की तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और ये इंडिया कनाडा का जो टसल चल रहा है वो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो आने वाले दिनों में कैसे डीप स्टेट के बीच में जो राइवलरी है उसको शो करने वाला है, और वो कैसे आने वाले दिनों में उभरेगी, कैसे चीजें बदलेंगी, इन सब को आने वाले दिनों में ही हम बेहतर समझ पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, और हमें देखने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।